नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सिंह मेहरा और हाउ टू हिंदी डॉट इन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के छोटे से हाउ टू वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन में यूट्यूब की एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं किसी वीडियो को देखने के लिए, किसी ऑडियो को सुनने के लिए या फिर किसी पॉडकास्ट को सुनने के लिए, और साथ ही साथ आप लोग ये भी चाहते हैं कि जब भी आप लोग अपने मोबाइल फोन पर यूट्यूब की एप्लीकेशन चलाए तो यूट्यूब पर जो भी आप लोगों ने प्ले किया है वो बैकग्राउंड पर चलते रहे, और साथ ही साथ आप लोग अपने मोबाइल फोन पर किसी और दूसरी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर पाए, यानी कि मल्टीटास्किंग कर पाए, और बिना YouTube का प्रीमियम लिए हुए या फिर बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए, बिना Google Chrome का इस्तेमाल करते हुए ये कैसे कर सकते हैं, ये आज के वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहना है ताकि आप लोग अपने मोबाइल फोन पे YouTube के साथ साथ मल्टीटास्किंग को भी कर पाए। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसको कैसे करना है तो फिर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक का लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उसके बाद आप लोगों को अपने मोबाइल फोन में आना है, और मोबाइल फोन में अगर आप लोग अपने YouTube एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने मोबाइल फोन पे स्मार्ट साइड बार को एक्टिवेट करना होगा, और स्मार्ट साइड बार को एक्टिवेट करने के लिए आप लोगों को अपने मोबाइल फोन पे आना है और मोबाइल फोन से आप लोगों को सेटिंग एप्लीकेशन को लॉन्च करना है। तो जहां पर भी आप लोगों के मोबाइल फोन पर सेटिंग एप्लीकेशन है आप लोग सेटिंग एप्लीकेशन को लॉन्च कर दीजिए। मैं यहां पर सेटिंग एप्लीकेशन को लॉन्च कर देता हूं। तो जैसे ही आप लोग अपने मोबाइल फोन पर सेटिंग एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे तो उसके बाद यहां पर आप लोगों को सेटिंग्स में आना है, और फिर यहां पर कहीं पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्पेशल फीचर्स का। तो आप लोगों ने यहां पर से स्पेशल फीचर्स के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग के मोबाइल फोन पर स्पेशल फीचर का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप लोगों को अपने मोबाइल फोन पर कहीं पर भी स्मार्ट साइड बार के ऑप्शन को ढूंढना है। जहां पर भी आप लोगों को अपने मोबाइल फोन में स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों ने उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे उसमें यहाँ पर ये स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन मिल गया है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप लोग स्मार्ट साइड बार के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए आप लोगों को दिखाई देगा कि ये जो स्मार्ट साइड बार है ये कैसे काम करता है। यहाँ पर आप लोगों को ये जो साइड से आने वाला जो बार है वो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर से आप लोगों को ये जो स्मार्ट साइड बार है इसको एक्टिवेट करना है, इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप लोगों को एक बटन मिलेगा, आप लोगों ने इस बटन को प्रेस करना है। जैसे आप लोग इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर से ये ऑन हो जाएगा, और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर से जो स्मार्ट फंक्शन है आप लोगों ने इसको ऑन करना ही करना है। तो आप लोग यहाँ पर से स्मार्ट फंक्शन को ऑन कर लीजिए स्मार्ट साइड बार को ऑन करने के बाद। उसके बाद यहाँ पर से देखिए आप लोग के मोबाइल फोन पे एक छोटा सा स्मार्ट साइड बार जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहा है, मैं यहाँ पर से इसको अगर लेके आऊँ अपने मोबाइल फोन में तो यहाँ पर से मैं इसको पकड़ के ला सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर से जो स्मार्ट साइड बार है वो आ गया है। आप लोग चाहें तो आप लोग इस स्मार्ट साइड बार की जो लोकेशन है उसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर से स्मार्ट साइड बार को एक बार और लेके आता हूँ और इसकी लोकेशन जो है वो हम लोग चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर से उठा के इसको इस साइड डाल देता हूँ। तो अब यहाँ पर से देखिए हमारा जो स्मार्ट साइड बार है वो यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर से आप लोगों को करना है क्या है, यहाँ से बैक आ जाइए और यूट्यूब की एप्लीकेशन को लॉन्च कर देना है। तो आप लोग यहाँ पर से यूट्यूब की एप्लीकेशन को लॉन्च कर लीजिए। मैं यूट्यूब की एप्लीकेशन को लॉन्च कर देता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए एक यूट्यूब पर ये वीडियो चल रहा है, मैं यहाँ पर से इसको चला देता हूँ। तो ये देखिए वीडियो चल रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको बैकग्राउंड में चलाना है। तो मैं यहाँ पर से स्मार्ट साइड बार को लेके आता हूँ एक बार फ्रंट में। मैंने यहाँ पर से स्मार्ट साइड बार को लेके आ गया है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास एक ऑप्शन आ जाएगा बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग का। तो आप लोगों ने यहाँ पर से क्या करना है, ये जो ऑप्शन है बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग का आप लोगों ने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे आप लोग इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर से देखिए जो यूट्यूब है वो बैकग्राउंड में चलने लग जाएगा। मैं यहाँ पर से इसकी वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरा जो YouTube है वो बैकग्राउंड में चल रहा है। आप लोग यहाँ पर से नोटिफिकेशन बार पे भी देख सकते हैं कि ये जो हेडफोन का नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें बताया गया है कि जो YouTube एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में चल रही है। अब यहाँ पर से अगर आप लोगों को किसी भी दूसरी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है तो आप लोग दूसरी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों को न्यूज़ पढ़ना है, व्हाट्सएप में चैटिंग करनी है, और साथ ही साथ आप लोग चाहते हैं कि यूट्यूब बैकग्राउंड पर चलते रहे तो यूट्यूब भी मेरा बैकग्राउंड पर चल रहा है और मैं यहाँ पर से दूसरी एप्लीकेशन का इस्तेमाल भी कर पा रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार आप लोग भी अपने मोबाइल फोन पे YouTube की एप्लीकेशन के साथ मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और आप लोग YouTube को बैकग्राउंड में चला सकते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पर से इसको एग्जिट करना है बैकग्राउंड में जो भी YouTube चल रहा है तो आप लोग यहाँ पर से एग्जिट बैकग्राउंड स्ट्रीम को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपने मोबाइल फोन पे दोबारा से YouTube की एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर जो भी आप लोगों का जो वीडियो है वो चल रहा होगा आप लोग यहाँ पर चाहें तो आप लोग इसको पॉज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों के मोबाइल फोन में स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, और जो भी आप लोगों को पहला लिंक मिलेगा आप लोगों ने उस लिंक पर क्लिक कर इस पोस्ट पर आना है। इस पोस्ट पर मैंने यहाँ पर से आप लोगों को दूसरा तरीका भी बताया है, जिसको मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर भी बताया है कि अगर आप लोगों को YouTube एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में चलाना है तो वो आप लोग कैसे चला सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही हाउ टू वीडियो देखने के लिए अभी तक का हाउ टू यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू यूट्यूब।